हरे कृष्णा प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्द मतयो मन्द भाग्या हि उपद्रुता। कलयुग के लोगों के लक्षण है ये। कलयुग के जो लोग होंगे वो ऐसे होंगे, ऐसा श्रीमद्भागवतम बताता है। उनकी आयु कम होगी, प्रायेण अल्प आयुषः, प्रायः अल्प आयु वाले लोग होंगे। अब कलयुग में साधारणतया आयु निश्चित की गई है, जो साधारण मनुष्यों की आयु होनी चाहिए वो 100, 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ लोग 100 से ज़्यादा जीते हैं, पर अभी जो एवरेज डेथ है वो 50 के लगभग है। तो ये क्यों है? प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः, कलयुग के लोगों की उम्र अक्सर कम होगी। और उसके कुछ लक्षण भी होंगे जो ऐसे हैं, मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता, वो आलसी होंगे, मंदा मंद मंद होंगे। मंद किसको कहते हैं? जो स्लो होता है, आलसी होता है। मंदा सुमंद मतयो, उनकी जो मति होगी, बुद्धि होगी, वो भी सही नहीं होगी, पथभ्रष्ट होंगे, रास्ते से भटके हुए। और उसके साथ साथ मंद भाग्य, भाग्य भी खराब रहेगा उनका। और उपद्रुता, हर समय विचलित, दिमाग चंचल। तो क्या कारण है? अगर आप देखेंगे तो आजकल के ज़माने में पहले के ज़माना से ज़्यादा सुविधा है, जैसे गाड़ी मोटर, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये सब है सुविधा। उसके साथ साथ हर तरह के विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, सब दवाइयाँ मिलती हैं। खाने पीने के चीज़ की कोई कमी नहीं है, 90% लोगों को खाने की कमी नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं जो कि पूरे दुनिया है तो कहीं कुछ लोग हो सकते हैं जिनको खाना नहीं मिलता हो, पर अनाज की कमी नहीं है, साधारण खाना सबको मिलता है। फिर क्यों हालत ऐसी है? क्यों वे आलसी हैं? क्यों वे झगड़ा करते हैं? क्यों वे विचलित रहते हैं? मन क्यों इतना चंचल है, या जिसको टेंशन कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, ये सब क्यों है? क्योंकि आदतें बुरी हैं। जो आदतें उनकी होनी चाहिए, साधारण जीने का ढंग, वो नहीं है। जुआ खेलना, शराब पीना, अवैध संग करना, रात को बहुत देर तक गलत कार्य करने में व्यस्त रहना, और दिन में सोना, शारीरिक कोई व्यायाम नहीं करना, समय पर प्रसाद नहीं लेना, प्रसाद तो लेना ही नहीं, कुछ और लेना। तो ये बुरी आदतों के कारण, खाना तो बहुत बहुत निग्लेक्ट हो गया है, सुविधा सब है, बाज़ार में सारी चीज़ें मिलती है, पैसा भी है अपने पास, चावल दाल रोटी सब्जी के लायक सबके पास पैसा है, पर फिर भी मार्केट का खाना है और असमय खाना है, असमय सोना है, बासी प्रसाद, बासी भोजन ग्रहण करना है, कोई नियम पालन नहीं करना है। संसारी लोग जो होते हैं वो धूम्रपान, सिगरेट, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव, जुआ, ऐसी बुरी बुरी आदतों से घिरे रहते हैं, और इसके कारण ये सारी चीज़ें जो है वो डिवेलप होती हैं हमारे अंदर। हम आलसी होते हैं, हम टेंशन में रहते हैं, हम पथभ्रष्ट रहते हैं। ये जो बताया गया है, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जो 5000 साल पहले लिखा गया है और इस दुनिया में तो सनातन काल से है, और उसमें सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि कलयुग के लोगों के ये लक्षण होने वाले हैं। तो इससे हम बच सकते हैं यदि हम अपने जीवन में धर्म को अपना लें और जीवन को नियमित रूप से जिए, सब समय पर सब कुछ कार्य करें, खाने पीने का ढंग, जीने का ढंग सब सही करें, तो हम इससे बच सकते हैं। नहीं तो कलयुग में कलयुग के यही लक्षण हैं। हरि बोल।